नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हैं खेती की ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो किसान भाइयों, हमारे धान के फसल में तना छेदक और पत्ता लपेट इल्लियाँ बेहद नुकसानकारी होती हैं। अगर समय रहते हुए इनका नियंत्रण नहीं किया जाता है तो यह हमारे फसल में 50 से 70% तक नुकसान कर देती हैं। तो आज मैं इस वीडियो में टॉप 5 इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि हमारे धान के फसलों में तनाछेदक और पत्ता लपेट इल्लियों को बहुत ही अच्छी तरह नियंत्रित करते हैं और उसके साथ कुछ दिनों के लिए उनसे सुरक्षा भी देते हैं। उनमें से पहले नंबर पर आता है पेस्टिसाइड इंडिया लिमिटेड का कॉस्को इंसेक्टिसाइड, दूसरे नंबर पर आता है धानुका एग्रीटेक लिमिटेड का मोर्टर इंसेक्टिसाइड और तीसरे नंबर पर आता है एफएमसी इंडिया का टॉलस्टार इंसेक्टिसाइड और चौथे नंबर पर आता है सैफेक्स इंडिया लिमिटेड का दबंग इंसेक्टिसाइड और पांचवे नंबर पर आता है रैलिस इंडिया लिमिटेड का कोरोंडा 505 इंसेक्टिसाइड। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंतिम तक देखें और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दे ऐसी कृषि संबंधित नई नई जानकारी पाने के लिए। तो पहले नंबर पर आता है पेस्टिसाइड इंडिया लिमिटेड का कॉस्को एससी इंसेक्टिसाइड। तो कॉस्को एससी इंसेक्टिसाइड का टेक्निकल है क्लोरांट्रा निलीप्रोले 18.5% एससी। इंसेक्टिसाइड सस्पेंशन कंसंट्रेट के फॉर्म में आता है, मतलब एक गाढ़े सफ़ेद कलर के लिक्विड के फॉर्म में आता है। कॉस्को एससी एंथ्रेलिक डायामाइड ग्रुप का बोर्ड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। यह एक ग्रीन लेवल का इंसेक्टिसाइड है जो कि हमारे वातावरण के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। ये इंसेक्टिसाइड संपर्क और पेट क्रिया द्वारा कीटों को प्रभावी नियंत्रण करता है। ये इंसेक्टिसाइड अपने संपर्क क्रिया से टारगेट किए हुए कीटों को तुरंत मार गिराता है और उसके साथ लंबे समय तक फसल को सुरक्षा भी देता है। अगर बात करें इसके फसल छिड़काव के बारे में तो कॉस्को एससी इंसेक्टिसाइड को धान, कपास, गन्ना, चना, सोयाबीन, मटर, करेला, भिंडी, टमाटर, बैंगन और गोभी के अलावा सभी प्रकार के फसलों में हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर बात करें इसके इंसेक्ट कंट्रोल के बारे में तो कॉस्को एससी इंसेक्टिसाइड धान के फसल में स्टीम बोरर और लीफ फोल्डर को पूरी तरह नियंत्रित करता है और उसके अलावा अन्य अन्य फसलों में अमेरिकन बॉलवर्म्स, स्पॉटेड बॉलवर्म्स, डायमंड बैक मॉथ, टर्माइट, ईयरली सूट बोरर, टॉप बोरर, फ्रूट बोरर, सूट बोरर, पोड बोरर, ग्रीन सेमी लूपर, स्टीम फ्लाई और कैटरपिलर्स को पूरी तरह नियंत्रित करता है। अगर बात करें इसके डोज के बारे में तो कॉस्को एससी इंसेक्टिसाइड को 6 से 8 ml प्रति 15 से 20 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में 60 से 80 ml मिलाकर छिड़काव करें। इससे आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा आता है। और अगर बात करें इसके रिजल्ट टाइम के बारे में तो कॉस्को एससी इंसेक्टिसाइड का असर धान के फसलों में लगभग 30 दिन तक देखने को मिलता है और अन्य अन्य फसलों में 15 से 20 दिन तक देखने को मिलता है। अगर बात करें इसके प्राइस के बारे में तो कॉस्को इंसेक्टिसाइड का जो 60 ml का पैकिंग है वो आपको 900 रुपये में आ जाता है और आपका जो प्रति एकड़ खर्च है वो 900 रुपये आता है। और दूसरे नंबर पर आता है धानुका एग्रीटेक लिमिटेड का मोर्टर इंसेक्टिसाइड। तो मोर्टर इंसेक्टिसाइड का टेक्निकल है कारटाप हाइड्रोक्लोराइड 75% SG। इंसेक्टिसाइड सॉल्युबल ग्रानुल के फॉर्मुलेशन में आता है, मतलब एक पानी में आसानी से घुलने और पानी को फैलाने वाले दाने के रूप में आता है। ये इंसेक्टिसाइड जापानी तकनीकी पर आधारित है। मोर्टर इंसेक्टिसाइड कीटों को उनकी सभी अवस्था में मारने में सक्षम है, मतलब ये इंसेक्टिसाइड कीटों को उनकी एंडो के अवस्था में और लार्वा के अवस्था में और उसके साथ उनके बड़े अवस्था में भी प्रभावी नियंत्रण करता है। मोर्टर इंसेक्टिसाइड सिस्टेमिक कॉन्टैक्ट और ट्रांसलामिनार क्रिया से कार्य करता है। मोर्टर इंसेक्टिसाइड अपने अनोखी NTX मोड ऑफ एक्शन से कीटों के मुख्य कोश तंत्रिका को अचल करके कीटों को पैरालाइज कर देता है और कुछ ही समय में वो जो कीट होता है वो मर जाता है।
मोर्टार इंसेक्टिसाइड मनुष्य, पशु पक्षी और लाभकारी कीटों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। अगर बात करें इसके फसल छिड़काव के बारे में, तो मोर्टार इंसेक्टिसाइड को हम धान, टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, कपास, भिंडी के अलावा सभी सब्जी वर्गीय फसलों में हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर बात करें इसके इंसेक्ट कंट्रोल के बारे में, तो मोर्टार इंसेक्टिसाइड धान के फसलों में स्टीम बोरर, लीफ फोल्डर और होरल मैगोट, जो हरा मच्छर होता है, उसको पूरी तरह नियंत्रित करता है और उसके साथ अन्य अन्य फसलों में फ्रूट बोरर, सूट बोरर, अमेरिकन बॉलवर्म और स्पॉटेड बॉलवर्म को पूरी तरह नियंत्रित करता है। अगर बात करें इसके डोज के बारे में, तो मोर्टार इंसेक्टिसाइड को 20 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में 200 ग्राम मिलाकर छिड़काव करें। और अगर बात करें इसके रिजल्ट टाइम के बारे में, तो मोर्टार इंसेक्टिसाइड का असर हमारे फसलों पर 25 से 30 दिन तक देखने को मिलता है। अगर बात करें इसके प्राइस के बारे में, तो मोर्टार इंसेक्टिसाइड का जो 250 ग्राम का पैकिंग है वो आपको 950 रुपये में आ जाता है। और अगर बात करें आपके प्रति एकड़ खर्च के बारे में, तो आपका प्रति एकड़ खर्च 750 से 800 रुपये आता है। तीसरे नंबर पर आता है FMC इंडिया का टॉलस्टार इंसेक्टिसाइड। तो टॉलस्टार इंसेक्टिसाइड का टेक्निकल है बाइफेंथ्रिन 10% EC। ये इंसेक्टिसाइड एमुलसिफेबल कंसनट्रेट के फॉर्म में आता है, मतलब एक तरल लिक्विड के फॉर्म में आता है। ये एक पायराथ्रोड समूह का बोर्ड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। टॉलस्टार इंसेक्टिसाइड अपने दोहरी क्रिया द्वारा रस चूसक और चबाने वाले कीटों को प्रभावी नियंत्रण करता है। टॉलस्टार इंसेक्टिसाइड अपने संपर्क क्रिया से कीटों को तुरंत मार गिराता है और अपने पेट क्रिया द्वारा कीटों के मुख्य कोष तंत्रिका को अचल कर देता है, जिससे कीट खाना छोड़ देता है और चल नहीं पाता है और कुछ ही घंटों में वो जो कीट होता है वो मर जाता है। ये इंसेक्टिसाइड अधिक तापमान में भी बेहद अच्छी तरह कार्य करता है। टॉलस्टार इंसेक्टिसाइड कीटों को मारने के साथ साथ कुछ मात्रा में मकड़ियों को भी मारने में सक्षम है। अगर बात करें इसके फसल छिड़काव के बारे में, तो टॉलस्टार इंसेक्टिसाइड को धान, कपास, गन्ना, मक्का, सोयाबीन, प्याज, मटर, आलू, गोभी, मिर्च और टमाटर के अलावा सभी प्रकार के फसलों में हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर बात करें इसके इंसेक्ट कंट्रोल के बारे में, तो टॉलस्टार इंसेक्टिसाइड धान के फसलों में स्टीम बोरर, लीफ फोल्डर और ग्रीन लीफ ऊपर को पूरी तरह नियंत्रित करता है और उसके अलावा अन्य अन्य फसलों में टर्माइट, बॉलवर्म्स, स्पॉटेड बॉलवर्म्स, व्हाइट फ्लाई, एफिड, जैसिड, थ्रिप्स और उसके साथ फ्रूट बोरर को भी पूरी तरह नियंत्रित करता है। अगर बात करें इसके डोज के बारे में, तो टॉलस्टार इंसेक्टिसाइड को 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में 300 से 350 ml मिलाकर छिड़काव करें। इससे आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा आता है। और अगर बात करें इसके रिजल्ट टाइम के बारे में, तो टॉलस्टार इंसेक्टिसाइड का असर हमारे फसलों पर 15 से 18 दिन तक देखने को मिलता है। अगर बात करें इसके प्राइस के बारे में, तो टॉलस्टार इंसेक्टिसाइड का जो 500 ml का पैकिंग है वो आपको 650 रुपये में मिल जाता है। और अगर बात करें आपके प्रति एकड़ खर्च के बारे में, तो आपका प्रति एकड़ खर्च 400 रुपये आता है। चौथे नंबर पर आता है सैफेक्स इंडिया लिमिटेड का दबंग इंसेक्टिसाइड। तो दबंग इंसेक्टिसाइड का टेक्निकल है लामडा साइहैलोथ्रिन 4.9% CS। इंसेक्टिसाइड कैप्सूल सस्पेंशन के फॉर्मुलेशन में आता है। यहाँ पर कैप्सूल सस्पेंशन का फायदा यह है कि ये इंसेक्टिसाइड को जब हम हमारे पौधे पर छिड़कते हैं, तो इसका जो कैप्सूल सस्पेंशन फॉर्मुलेशन है ये तुरंत असर दिखाना शुरू कर देता है। दबंग सिंथेटिक पायराथ्रोइड समूह का एक नॉन सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है, जो हमारे पौधे पर संपर्क और पेट क्रिया से कीटों को नियंत्रित करता है। दबंग इंसेक्टिसाइड अपने दोहरी क्रिया से कीटों को तुरंत मार गिराता है और उसके साथ कुछ दिनों के लिए कीटों से हमारे फसल को सुरक्षा भी देता है। दबंग इंसेक्टिसाइड कीटों को उनकी सभी अवस्था में मारने में सक्षम है।
दबंग इंसेक्टिसाइड को हम घर में होने वाले कॉकरोच, मच्छर और अन्य छोटे कीटों को मारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसके फसल छिड़काव के बारे में, तो दबंग इंसेक्टिसाइड को हम धान, कपास, सोयाबीन, मूंग, उड़द, मटर, चना, बैगन, भिंडी, मिर्च के अलावा सभी प्रकार के फसलों में हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर बात करें इसके इंसेक्ट कंट्रोल के बारे में, तो दबंग इंसेक्टिसाइड धान के फसलों में स्टीम बोरर और लीफ फोल्डर को पूरी तरह नियंत्रित करता है और उसके अलावा अन्य फसलों में अमेरिकन बॉलवर्म्स, स्पॉटेड बॉलवर्म्स, फ्रूट बोरर, सूट बोरर, पोड बोरर, स्टीम फ्लाई, सेमी लूपर्स, थ्रिप्स और डायमंड बैक मॉथ को पूरी तरह नियंत्रित करता है। अगर बात करें इसके डोज के बारे में, तो दबंग इंसेक्टिसाइड को कपास के फसलों में 50 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में 500 ml मिलाकर छिड़काव करें और अन्य फसलों में 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में 300 ml मिलाकर छिड़काव करें। और अगर बात करें इसके रिजल्ट टाइम के बारे में, तो दबंग इंसेक्टिसाइड का असर हमारे फसलों पर 15 से 18 दिन तक देखने को मिलता है। अगर बात करें इसके प्राइस के बारे में, तो दबंग इंसेक्टिसाइड का जो 500 ml का पैकिंग है 450 से 500 रुपये में आ जाता है। और अगर बात करें आपके प्रति एकड़ खर्च के बारे में, तो प्रति एकड़ खर्च 300 से 500 रुपये आता है। और एक ज़रूरी बात, अगर आप इस इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, तो कृपया इस इंसेक्टिसाइड के छिड़काव के समय अपने शरीर को कोई एक रेनिकोट से पूरी तरह ढककर इसका छिड़काव करें, क्योंकि ये जो इंसेक्टिसाइड है अगर हमारे शरीर को स्पर्श करती है तो खुजली होना शुरू हो जाता है। तो कृपया सावधानी के साथ इसका छिड़काव करें। और पाँचवें नंबर पर आता है रैलिस इंडिया लिमिटेड का कोरोंडा 505 इंसेक्टिसाइड। तो कोरोंडा 505 इंसेक्टिसाइड का टेक्निकल है क्लोरोपायरीफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% ईसी। इंसेक्टिसाइड एमुलसिफेबल कंसनट्रेट के फॉर्म में आता है, मतलब एक तरल लिक्विड के फॉर्म में आता है। ये इंसेक्टिसाइड संपर्क और पेट क्रिया द्वारा कीटों को नियंत्रित करता है। यह अपने संपर्क क्रिया से टारगेट किए हुए कीटों को तुरंत मार गिराता है और अपने पेट क्रिया द्वारा कीटों के मुख्य कोश तंत्रिका को अचल कर देता है, जिससे वो जो कीट होता है वो पैरालाइज्ड हो जाता है और कुछ ही समय में वो मर जाता है। ये एक ऑर्गेनोफॉस्फेट और सिंथेटिक पायराथ्रोइड समूहों का मिश्रित इंसेक्टिसाइड है। कोरोंडा 505 इंसेक्टिसाइड को हम सभी इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और प्लांट टॉनिक के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। अगर बात करें इसके फसल छिड़काव के बारे में, तो कोरोंडा 505 इंसेक्टिसाइड को हम धान, कपास, मक्का, गन्ना, मिर्च, गोभी, भिंडी, करेला के अलावा सभी प्रकार के फसलों में हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर बात करें इसके इंसेक्ट कंट्रोल के बारे में, तो कोरोंडा 505 इंसेक्टिसाइड धान के फसलों में स्टीम बोरर और लीफ फोल्डर को पूरी तरह नियंत्रित करता है और उसके अलावा अन्य फसलों में फ्रूट बोरर, सूट बोरर, अमेरिकन बॉलवर्म, स्पॉटेड बॉलवर्म, पोड बोरर, व्हाइट फ्लाई, एफिड, जैसिड और थ्रिप्स को पूरी तरह नियंत्रित करता है। अगर बात करें इसके डोज के बारे में, तो कोरोंडा 505 इंसेक्टिसाइड को कपास के फसलों में 40 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में 400 ml मिलाकर छिड़काव करें और अन्य फसलों में 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में 300 ml मिलाकर छिड़काव करें। इससे आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा आता है। और अगर बात करें इसके रिजल्ट टाइम के बारे में, तो कोरोंडा 505 इंसेक्टिसाइड का असर हमारे फसलों पर 15 दिन तक देखने को मिलता है। अगर बात करें इसके प्राइस के बारे में, तो कोरोंडा 505 इंसेक्टिसाइड का जो 500 ml का पैकिंग है वो आपको 450 से 500 रुपये में आ जाता है। और अगर बात करें आपके प्रति एकड़ खर्च के बारे में, तो आपका प्रति एकड़ खर्च 350 से 400 रुपये आता है। तो किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें।